Prime Minister Narendra Modi has hit out at the opposition over the Parivarvad row and said that the Congress believes in family first, whereas Prime Minister Modi believes in nation first. He said that for Congress, family is everything and they have sacrificed the nation for the welfare of the country. He then spoke about the alliances dig at him over his family and said that the Congress is abusing him because he has called out the Congress for putting their family first. He said, and I quote, "When I oppose Parivarvad and say Parivarvad does not let talent grow and hinders the growth of the country as well as the individuals, they do not reply. They say Modi ka koi parivar hi nahi hai." This fresh row erupted after Lalu Prasad Yadav hit out at Prime Minister Modi recently over his family. Following this, BJP leaders launched a campaign calling themselves quote unquote Modi ka parivar. Prime Minister Modi, had a lot of support from across on social media. Modi ka parivar posters have also been put up in the national capital. Let's in fact listen to what the Prime Minister said. क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है. अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है. क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है. वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट. ये है विचारधारा की लड़ाई. उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है. मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है. इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया. मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है. ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया. तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं. ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं. मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं. आयुष जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट टू टॉक मोर अबाउट दिस. आयुष, द प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन लेवरेजिंग द अटैक ऑन हिम बाय द ऑपोजिशन, सेइंग दैट फॉर द ऑपोजिशन इट्स ऑलवेज फैमिली फर्स्ट बट फॉर हिम द नेशन इज फैमिली एंड दैट कम्स फर्स्ट. जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को अपनी रैली से जवाब दिया और खास तौर पर अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो जो लालू प्रसाद यादव ने तंज किया था प्रधानमंत्री के परिवार के ऊपर, उन्होंने जो बात बोली थी लगातार जो विपक्ष की भूमिका में निभाते हुए, पर इस बार जो लालू प्रसाद यादव की जो स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हो गई थी. जब परिवार तक वो बात पहुँच गई और उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब दिया गया कि पूरा देश मेरा परिवार है और हैशटैग मोदी का परिवार जो भाजपा ने अब इलेक्शन कैंपेन बना लिया है,
तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक नया चुनावी नारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा चुका है। जैसा 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने देखा था कि राहुल गांधी जी की तरफ से एक बात कही गई थी जब उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है। अब उसी स्टेटमेंट को पकड़कर भाजपा ने अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन बना दिया था जब उन्होंने बोला था कि मैं भी चौकीदार, और हर बड़े भाजपा नेता ने, इवन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी मैं भी चौकीदार हैशटैग अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बायो में यूज करना शुरू कर दिया था। इस बार भी हम देख रहे हैं कि बड़े नेताओं ने भाजपा के, फिर चाहे वो जेपी नड्डा हो, फिर अमित शाह हो, या फिर जितने तमाम बड़े नेता हो सकते हैं, उन सब ने यही बात की है कि मोदी का परिवार, ये हैशटैग सबने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर यूज करना शुरू कर दिया है। अपने नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नया इलेक्शन का नारा इसे हम देख सकते हैं कि पूरी जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है वो इसी पर लड़ी जाएगी। जो चौकीदार चोर है कि बात, जो मैं भी चौकीदार हुआ था, उसमें इतनी जो बढ़त मिली थी भाजपा को कि उसकी मर्चेंडाइज आने लग गई थी मार्केट में और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया था। तो हो सकता है कि ये भी भाजपा के लिए एक ट्रेंड साबित हो। और जिस प्रकार से जैसे भाजपा ने बोला था कि अब की बार 400 पार, उसके साथ एक दूसरा नारा प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। ओवर टू यू। जी, ऑलराइट, माय कलीग अक्षत गुप्ता हैज फाइल्ड सम ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द नेशनल कैपिटल ऑन मोदी का परिवार कैंपेन। लेट्स टेक अ लुक। लालू यादव's jibe at Prime Minister Narendra Modi has prompted the top leaders and even the कार्यकर्ताज ऑफ बीजेपी टू रन अ कैंपेन, मोदी का परिवार कैंपेन। वेल आई कम टू यू फ्रॉम द दीनदयाल उपाध्याय मार्ग एंड बिहाइंड मी यू कैन एक्चुअली सी अ पोस्टर विच हैज बीन पुट अप बाय द वर्कर्स ऑफ बीजेपी एंड इट्स नॉट ओनली हियर एट द दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वेल एट मेनी प्लेसेज इन द नेशनल कैपिटल सेवरल पोस्टर्स हैव बीन पुट अप बाय द बीजेपी इन सॉलिडैरिटी विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, saying the Modi ka parivar, and also very importantly, when we look at these posters, many top leaders of the BJP, including Home Minister Amit Shah, JP Nadda, and even Defence Minister Rajnath Singh, have added suffix to their X accounts as Modi ka parivar in solidarity with the Prime Minister Modi. After PM Modi in a rally in Telangana said that 140 crore people of the country are his family members and they also love him like a family member. In the backdrop of all of it, we know that in an event on Sunday in Patna, Lalu Yadav said that Prime Minister has no family of his own, and he also said that Prime Minister Modi is not a real Hindu. That jibe has actually prompted the BJP to run this campaign. And very importantly, this comes all in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections. And this is also reminiscent of the 2019 catchphrase, Chokidar, when the BJP leaders and the workers actually weaponized it against the opposition and added a prefix to their social media accounts as Chokidar. In the backdrop of the remark by Rahul Gandhi when he said Chaukidar Chor hai in connection to the Rafael jet fighter deal. So of course, this is not the first time that BJP is actually weaponizing it against the opposition. It has also happened in 2019. Well, the BJP swept the elections in 2019, and it has also taken place in 2014. And now once again, it's reminiscent, and it reminds that how that catchphrase was actually popularized by the BJP back then. And once again, it has we can see at many places these posters have been put by the BJP. In New Delhi, Akshat Gupta, News. All right, we also have reactions coming in from politicians. Let's have a look. हम सब मोदी का परिवार हैं और उन्होंने एक पंत प्रधान की तरह इस देश के लिए, विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। एक वक्त था जब गरीबी हटाओ केवल एक नारा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी देश की बेटियां चूल्हा फूक फूक के थक गई थी। धुएं से अगर मुक्त कराया है 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस देके, तो वो हमारे प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने करा है। जाके मातृशक्ति कहीं दूर दूर कोसों मील चलकर पानी लेकर आती थी,
आज 14 करोड़ लोगों के घर तक जल नल से अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र। सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं, इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस तरह के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.